छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर में इन दिनों सर्दियों का मौसम चल रहा है और बस्तर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी के मौसम में जगदलपुर शहर में कई राज्यों से लोग बस्तर घूमने पहुंच रहे हैं और बस्तर में ठंड का मजा भी ले रहे हैं। इस समय जगदलपुर शहर में जो लोग घूमने पहुंच रहे हैं वे सर्दियों का आनंद भी उठा रहे हैं। इस वर्ष जगदलपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह से ही कोहरे इस प्रकार छाया रहता है कि आने जाने वाले लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं जगदलपुर शहर के रहने वाले लोगों ने बताया कि मेरा नाम कुमार दीपक है, निवासी जगदलपुर का हूँ। वैसे बस्तर का हमेशा से सुहाना मौसम रहा है। इस वर्ष जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है और एक दूसरे को देखने में भी असमर्थ हो रहे हैं। इतना ज़्यादा कोहरा छाया है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग मजबूरी में घर से निकल रहे हैं काम काज के लिए और अलाव का सहारा लेना है। मैं अनिल बड़कस जगदलपुर निवासी, मेरा बचपन इसी शहर में बीता हुआ है। बस्तर जिले में हर वर्ष से अत्यधिक इस वर्ष ठंड देखा गया है। ज़्यादातर ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण इस बार सैलानी भी बहुत आए हैं हमारे शहर में। होटलों में भी जगह नहीं है और शाम से यहाँ जो कड़ाके की ठंड चालू हो जाती है तो रिक्शे वाले, मजदूर सब अलाव का सहारा लेते हुए पाए जाएंगे आपको प्रतिदिन। और यहाँ का मौसम इतना बेहतरीन सुहाना हो गया है, यहाँ दर्शनीय स्थल होने के कारण यहाँ बस्तर जिले में बाहरी सैलानियों का भी भीड़ है और वह भी ठंड का आनंद लेते आपको सुबह पाए जाएंगे। मेरे पीछे ठीक है माई दंतेश्वरी का मंदिर है जिसका दर्शन करने अधिकतर सैलानी आते, जिसमें मैं भी हूँ जो प्रतिदिन यहाँ आता हूँ। और इस बार के ठंड और यहाँ का सुहाना मौसम बहुत ही बेहतरीन लगा। न्यूज के लिए जगदलपुर से संवाददाता विजय पचौरी की रिपोर्ट।